भर्गोस्वः तत्स्य पितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितरिदुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नयासव। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत्कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशनीं। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वो एक बात और आप लोग याद रख लें, जो पांव को जैसे मैं बताता हूं वैसे करके न बैठ सके तो ये जो घिठनी है आपकी, घिठने जो है जैसे इसको नीज कहते हैं अंग्रेजी में, अंकल्स जो है ये, इनमें थोड़ा अंतर आएगा। लेकिन मूल जो बात है वो तो केवल मूलाधार से लेकर के रीढ़ की जहां एंड टेलबोन है वहां से लेकर के और यहां तक इसको सीधे रखने की है। पांव आपके यदि सीधे ऐसे नहीं होते तो घबराने वाली बात नहीं है, अभ्यास करो भी हो जाएंगे, नहीं तो नीचे का कैसे भी पांव रखो आप, लेकिन वहां से लेकर के ये जो धड़ है मूलाधार से लेकर के ये आठवें चक्र जो है ये बिल्कुल ऐसे सीधे हो, ऐसे ढंग, इसमें कोई गड़बड़ न हो। ये यदि ठीक है तो पांव ऐसे क्रॉस लेग से बैठे तब भी ठीक है सुखासन से, और ऐसे बैठे तब भी। पांव तो कई प्रकार से रखे जाते हैं, पद्मासन में पांव दोनों ऊपर रखा जाता है, इसका अपना महत्व है। नाड़ियां उससे दबती है, पद्मासन से जब आप बैठते हैं तो नाड़ियां दबती है, उसमें दो तीन नाड़ियां ऐसी जो दबती हैं जिससे आप अपने वीर्य को स्तंभित कर सकते हैं। तो ये पद्मासन जो है ये वीर्य रक्षा में काम देता है, सिद्धासन जो है वो वीर्य रक्षा में काम देता है, उससे वीर्य जो है ऊर्ध गति को प्राप्त होता है, ऊपर जाता है और नीचे नहीं जाता है ना। ये सारे उसका अपना महत्व है, लेकिन यदि आप उसको करने में किसी कारण बस सक्षम नहीं है तो आप ये जो है ना इसको सीधा रखिए और उसका अभ्यास करते रहिए। आज नहीं कल नहीं 10 दिन बाद हो जाएगा, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो न हो सके, धीरे धीरे होता है। योग आसन किया करो, लंबे श्वास टांग फैला करके इसे मोड़ने का, उससे फिर ये पांव मुड़ने लगते हैं, ठीक हो जाता है। हमने तो 65-65 साल के वृद्ध लोगों को ये करा करके और उनको 70 साल के 75 साल के जो पहले बैठना ऐसे करते थे तो दोनों पांव से उठे रहते थे, उनको ऐसे सीधा करा कर और फिर इस मुद्रा में बैठा। समय लगता है थोड़ा आसन करने में। तो ये अब आप लोग भगवान का वह दिव्य संदेश चिंतन कीजिए जिसमें वो बता रहे हैं कि हमें कौन प्रिय है। गीता के 12वां अध्याय का जो कार्यक्रम चल रहा है, करुणा निधान की करुणा महान है। गीता में सारी बातें समझाई है, कैसे बैठना ये भी बताया, समो काय शिरो ग्रीव धारयन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नाशिका गुंसुम दिशा नवलोकेत, ये बैठने का तरीका बताया। समो काय, काया इसको काया कहते हैं, समो शिरो ऐसे समो ग्रीवा ऐसे समो, समो काय शिरो ग्रीवा धारयन अचलम यानी कोई मूवमेंट न हो, स्थिरम अंदर से कोई मूवमेंट न हो बाहर से कोई मूवमेंट न हो,
चलम स्थिरम, और दृष्टि जो है वो नासिकाग्रंसम, ऐसे नासिका के अग्रभाग में ऐसे दृष्टि हो। दिशा न अवलोके, न इधर देखे न इधर देखे, बिल्कुल एन स्टेट। ये ध्यान करने की विधि भगवान ने स्वयं गीता में बताई, छठे अध्याय। छठा अध्याय आत्म संयम योग है। कभी भगवान की कृपा हो फिर छठा अध्याय पूरा आप लोगों को पढ़ा मैं इस ढंग से, तो वो तो कभी कभी की बात है। अब तो ये तो पीरियड तो पूरा हो रहा है, तो अभी तो इसको पूरा कर लो, प्रभु से प्रार्थना करो और प्रभु अपनी करुणा से जो आपको समझा रहे हैं उसे समझो। कल जो श्लोक आप लोगों ने पढ़ा है उसको जरा बोल के सुनाओ तो मुझे, वाह बहुत अच्छे। वाह, जो भक्तिमान यह भी कह रहे हैं वो पिछली वाली बात याद करे, जो मैं कह रहे वो बोले। अब आप देखिए, भगवान कहते हैं कि जो शत्रु और मित्र में सम होता है, सम शत्रु च मित्रे च, मान और अपमान में भी सम रहता है, तथा मानापमान उसी प्रकार से मान और अपमान में भी सम रहता है। सम माने इवननेस बना रहता, बैलेंस नहीं बिगड़ता उसका। बैलेंस बिगड़ जाए फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। इवननेस, इक्विलिब्रियम अंग्रेजी में उसे कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द है अंग्रेजी में इक्विलिब्रियम। अब उसका कोई डच में है तुम्हारे नहीं पता नहीं मेरे को, बैलेंस उसका बना हुआ है, सम है वो, न इधर है न ऐसे है न ऐसे, कोई डमाडोल नहीं है। तो समह शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र, ये कल मैंने समझाया था डिटेल में, शत्रु और मित्र में सम कैसे रहता है। और तथा मानापमान, मान में फूलता नहीं अपमान में दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जहां मान हो रहा है वो सतोगुण का अपमान हो रहा है तमोगुण का, न मैं सतोगुण हूं न मैं तमोगुण हूं, मैं तो गुणों से अलग हूं। तो गुण किसके का, गुण तो माया के हैं, गुणत्व माया मूलत्व, गुण की मूल तो माया है, ये गुण मेरे तो है नहीं, इसलिए यहां माया के द्वारा निर्मित जगत में यदि मान हो तब भी माया का हो रहा, अपमान हो तब भी माया का हो रहा है, हम इससे अलग है। आचार्य शंकर जब बौद्धों का खंडन करते थे तो बौद्ध बड़े उदंड हो गए थे, तो उस समय राजा था एक सुधर्मा नाम का राजा, तो उसने उनको पूरी सपोर्ट दी कि जो कोई ठीक से ना माने तो उसे डंडे से ठीक करो। तो एक उन्होंने फौज बनाई, फौज तो जहां आगे आगे भगवान शंकराचार्य चलते थे तो पीछे पीछे उनकी फौज होती थी पूरी, तो वहां पर वो जाकर शास्त्रार्थ करते थे। वहां पहली बात है, तुम शास्त्रार्थ करो मेरे से, युक्ति से, तर्क से, यदि तुम्हारी बात सही है तो हम तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे, और यदि तुम हार जाओ तो तुम मेरे शिष्य बन जाओ, और जो कहेगा कि नहीं मैं तो यही करूंगा चाहे तुम गलत हो चाहे सही, तो ये डंडा पीछे है। तो फौज होती थी, फौज उसकी खबर लेती थी। तो लोगों ने कहा, तो वो ऐसे बहुत से जो उदंड बौद्ध थे उनको खत्म कर दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम महात्मा का है कि तुम लोगों को हिंसा करा रहे हो, मरवा रहे हो, बौद्ध तो अहिंसा की दुआई देते थे। तो लोग कहे उनसे कि आपकी बड़ी निंदा लोग करते हैं, तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि भाई निंदा किसकी करते हैं, किसकी निंदा करते, कहा आपकी, कहा मैं कौन जिसको तुम कहते हो। यदि वो शरीर की निंदा करते हैं मेरे,
यदि मेरे शरीर की निंदा करते हैं तो वो तो मेरे मत के समर्थक है। शरीर की निंदा तो मैं भी करता हूं, नरकस्य नरकम किम स्व शरीरम, कहा नरक का भी नरक क्या, कहा अपना शरीर। इसलिए यदि शरीर की निंदा करते हैं तो वो तो मेरी मत का समर्थन करते हैं, और यदि आत्मा की निंदा करते हैं वो तो अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि आत्मा जो उनकी है वही मेरी है, उसकी निंदा कोई कर नहीं सकता। तो कोई अपनी आत्मा की निंदा करे तो हमें क्या उसमें दुख हो रहा। आत्मानम यदि निंदंती स्वात्मना, यदि वो आत्मा की निंदा करते हैं तो अपनी आत्मा की निंदा करते हैं, आत्मा अकेले की तो है नहीं, मेरी आत्मा अलग है, उनकी आत्मा अलग है, उनकी आत्मा ऐसा तो है नहीं, सबकी आत्मा एक है। कैसे एक है, का जैसे सबका प्राण वायु एक है, ये तो देख रहे हो ना, सबके जीवन का स्रोत प्राण वायु एक है कि अलग है। कोई प्राण वायु को गालियां दे तो हमें क्यों दुख होगा, वो तो तुम अपने को भी दे रहे हो, हमारे को भी दे, सबके साझे की तो प्राण वायु है। एक पिता के 10 पुत्र हो, उसमें से एक पुत्र अपने बाप को गालियां दे तो दूसरा क्यों रोए भाई, वो तो अपने बाप को गाली दे रहा, तुम्हारा क्या लगता है, कहो मेरा भी बाप है, कहा तेरा भी बाप है, तू उसकी पूजा करो, गाली देगा। तो जो साझे का है उसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो एक ही आत्मा जैसे 1000 घड़ों में पानी रख दो, करोड़ घड़ों में पानी रख दो, तो उसमें एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होगा ना। तो तुलसीदास ने क्या लिखा रामायण में, जिम घट कोट एक रविशाही, जैसे करोड़ घड़ों में एक ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ऐसे ही सबके चिदाकाश में एक ही ज्योति सबको प्रकाशित कर रही है। जैसे मैं बता रहा था ये चिदाकाश जो है इसमें जो प्रकाश पड़ रही है किरणों की, वो सबके वही ज्योति सबके, यानी उसी सूर्य से सबकी आत्मा प्रकट हो रही। इसलिए सूर्यो आत्मा जगतस्थुष्कस्य, ये दुनिया में जितने जड़ चेतन प्राणी सबकी आत्मा सूर्य से आती है, सूर्य ही सबका यथार्थ पिता है, वहीं से आत्मा आती है। तो वो अपनी आत्मा की निंदा कर रहे हैं। तो इसलिए योगी ये देखता है कि आत्मा की निंदा नहीं होती, आत्मा की निंदा करी गए तो अपनी आत्मा की निंदा कर रहा, हमें क्यों दुख हो, और यदि शरीर की निंदा कर रहा तो शरीर तो निंदा का पात्र है ही, मतलब मूत्र का भाण, इसमें कोई अच्छी चीज है जिसकी प्रशंसा की जाए, बाहर से देखो कहो मुखम मुख कितना कमल, ऐसा मुख कमल है का कमल नहीं है, मुखम श्लेष्मागारम, हाँ कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें से गंदगी नहीं निकलती हो शरीर की, एक एक रोम जो है ना, ये रोम को यहां से भी गंदगी निकलती है पसीना, और अंदर यदि मल है तो पसीना से दुर्गंध आएगी, अंदर शुद्ध है तो पसीना से सुगंध भी आती है, लेकिन है मल। ये सारा सारा जो शरीर का क्रम है वो ऐसे है। तो जो योगी है भक्त है वो जानता है कि मान और अपमान ये गुण का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, इसलिए तथा मानापमान दोनों में बराबर रहता है, समह शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान यो हो, शीतोष्ण शीत और उष्ण इनको भी समझ। शीत उष्ण क्या होता है, योगी के लिए या भक्त के लिए जो शीत और उष्ण की बात कही गई है वो केवल शारीरिक शीतलता उष्णता की बात नहीं, ही इज वेरी कोल्ड पर्सन। कोल्ड पर्सन कहते अंग्रेजी में कहा जाता है वेरी वार्मिंग वेलकम, उसका वहां पर बड़ा गर्म स्वागत हुआ। गर्म स्वागत माने क्या होता है, वार्मिंग वेलकम। वार्म वेलकम क्या होता है, आप जब कहीं गए और दूसरे ने देखते ही आपको प्रसन्नता से आइए आइए आइए, क्या हुआ है, वेलकम हुआ। कैसा वेलकम हुआ, वार्म माने उष्ण, ये उष्ण है ना, वार वेलकम हुआ। और यदि आप गए और देखा कि आ गया मत्थे मार, पता नहीं कहां से आ गया है, फिर वो अंग्रेजी काठ बना लिया है ऐसे करके बैठ गया, उसको क्या हुआ क्या वो उसको कहते कोल्ड।
मान अपमान में तो क्रिया होती है, समझे ना, और शीत और उसमें क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है। एक में उष्णता है माने स्वागत है और दूसरे में उपेक्षा भाव है, स्वागत नहीं है। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आव नहीं, आदर नहीं, नयनन नहीं, स्नेह तुलसी वहान जाइए कंचन बरसे में, आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं, स्नेह तुलसी वहान जाइए कंचन बरसे में। जो देखते ही प्रसन्न नहीं हो गया, आइए जी आइए, आवत ही हर्षय नहीं और नयनन नहीं सने, आंखें बता देती कि किस दृष्टि से देख रहा है, प्यार की दृष्टि से देख रहा है या उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है या यानी निग्लेक्ट करने वाली, जिसे अंग्रेजी में है ना निग्लेक्ट, उसको क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, कहते होंगे कुछ, चलो अभी हमें वो नहीं सीखनी है, बाद में सीखेंगे। तो निग्लेक्ट करने की दृष्टि से देख रहा है, अवॉइड करना चाहता है, तो ऐसे लोग जो हैं उसको कहते कोल्ड। और जहां पर स्वागत किया वो क्या हुआ, वाह, उष्णता में आत्मीयता प्रियता का आविर्भाव होता है और शीत में माने उपेक्षा और यानी उपेक्षा और तिरस्कार का भाव होता है। तो जहां तिरस्कार होता है उपेक्षा होती है, संत उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, और जहां वेलकम होता है उसका, उसमें भी उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, वेलकम हुआ तो बाबा, उपेक्षा हुई तो बाबा। क्यों भाई, वो कहता ये तो उसकी अपनी वृत्ति है ना, जिसके पास तुम जा रहे हो ये उसकी है, जिससे तुम मिले उसकी, ये व्यवहार की बात है, व्यवहार में चाहे उसका कोई स्वागत करे और व्यवहार में चाहे उसकी उपेक्षा करे, शीतोष्ण, और इन दोनों के परिणाम क्या होते हैं, स्वागत किया तो सुख हुआ और उपेक्षा किया तो दुख हुआ, यही होता है ना, जाकर मन बड़ा दुखी हुआ, क्यों, अरे उसने ठीक से व्यवहार नहीं किया, ये कहते हो ना भाई, गए तो थे वहां लेकिन मन बड़ा दुखी हुआ, हाँ हाँ बहुत अच्छा, बड़ा बड़ी प्रसन्नता हुई मिलकर के जी। तो ये होता है दो प्रकार का व्यवहार, ये व्यवहारिक बात है। समह शत्रु च मित्र च, शत्रु और मित्र, मान और अपमान, स्वागत और उपेक्षा, परिणाम में सुख और दुख। यहां शीत उष्ण माने ये नहीं कि ठंडी नहीं लगती उसको, गर्मी नहीं लगती, ठंडी गर्मी तो हमने देखा बड़े बड़े संतों को लगती है, जैसे कल मैं बता रहा था आप लोगों को, जो ठंडी में रहने का अभ्यस्त हो गए उनको गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, जो गर्मी में रहते उनको ठंडी नहीं बर्दाश्त होती, हैं वो संत आत्मस्थ हैं, ऊंचे हुए हैं। हाँ इतना जरूर है कि जो ऐसे संत हैं जो शरीर से हमेशा ऊपर ही रहते हैं शरीर में, लेकिन वो ऊपर कब तक रहेंगे, 24 घंटे ऊपर यदि रहने लगे फिर तो शरीर गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जी नहीं सकते। और जो व्यवहार में रहेगा, शरीरस्थ रहेगा, तो वो तो प्रकृति के वातावरण का उसे प्रभाव तो पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर बताया कि प्रकृति की अनुकूलता और प्रतिकूलता, शीत माने प्रतिकूलता और उष्ण माने अनुकूलता, शीतोष्ण, और प्रतिकूलता में दुख नहीं होता और अनुकूलता में उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होती, सुख दुखे सु। वो जानते हैं कि प्रकृति चाहे अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल, व्यवहार चाहे अनुकूल हुआ व प्रतिकूल, कहीं स्वागत हुआ व उपेक्षा हुई, कहते इससे क्या लेना देना, हमें अपना काम करना है कर रहे हैं, हमारे अपने प्रभु में निष्ठा है, निष्ठा ठीक है। तो वो सर्वत्र अपने प्रभु की
महिमा का ही दर्शन करते हुए शीतोष्ण सुख दुखेशु समह संग विवर्जित का ऐसी ऐसी स्थिति उनमें कैसे आई, शीत उष्ण सुख दुख में सम, मान और अपमान में सम, शत्रु और मित्र में सम। अब ये समता कितने स्थानों पर गई, शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख और दुख। इसलिए यहां पर दो बार समह समह शब्द का प्रयोग किया गया। समह शत्रुच मित्रेच तथा ना मान अपमान हो, और नीचे शीतोष्ण सुख दुखेशु समह। चार बातें ऊपर हैं, पेयर्स ऑफ अपोजिट दो, और चार ये नीचे हैं पेयर्स ऑफ अपोजिट दो, और दोनों के लिए समह शब्द का प्रयोग किया गया। समत्व बुद्धि को प्राप्त कर चुके हैं इसलिए वो इन चारों में उनको कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता। क्यों ऐसा हुआ, कहा संग विवर्जित है, ये उसका मूल मंत्र है। संग विवर्जित होने के नाते वो उनमें समता का साम्राज्य हुआ। संग क्या होता, आसक्ति, विवर्जित माने रहित, आसक्ति से रहित है वो, संग माने आसक्ति, आसक्ति से रहित है वो, कहीं आसक्ति नहीं है उनको। यदि आपकी आसक्ति होगी तो आप स्वभावतः इसमें गड़बड़ा जाएंगे, आपका बैलेंस लूज हो जाएगा। यदि अनासक्त हैं आप, आसक्ति नहीं है आपको, तो फिर आप बैलेंस लूज नहीं करेंगे। आसक्ति किस में, आसक्ति अपने अपने अहम में, क्यों, अहम का ही अपमान होता है, अहम का ही मान होता है, अहम के नाते शत्रु है, अहम के नाते मित्र है, और अहम से ही सुख होता है, अहम के ही दुख होता है, अहम को ही स्वागत होता, अहम का ही यानी तिरस्कार होता, ये सब अहम से संबंधित है। और अहम में आसक्ति नहीं उनकी, संग विवर्जित, आसक्ति रहित है। ऐसे जो आसक्ति रहित संत हैं उन्हीं के लिए आ गया फिर तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। वो निंदा और स्तुति दोनों को एक समान समझते हैं। निंदा किया तब भी बढ़िया है, स्तुति किया तब भी बढ़िया है, दोनों ठीक है। तुल्य निंदा स्तुति दोनों उसके लिए बराबर है, क्योंकि दोनों में वो मौन रहते हैं। मौन माने मनन से, ये मौन जो है ना ये वाणी का नहीं है कार्य, मौन जो है ये मन का कार्य है। मौनम आत्मम विनिग्रह, गीता का 17वां अध्याय, उसमें क्या बताया गया, ये मन जो है, मन का तप है मौन। कुछ लोग वाणी का तप रखते हैं मौन, कई मैंने देखे ऐसे मौन रखने वाले, तो वो बोलते तो नहीं जवान से, लेकिन सारी बात कह जाते हैं। अरे भाई इतना तुम्हें परिश्रम करना है तो भले आदमी बोल लो, जब तुम्हें करना है तो बोलने में क्या जाता है तुम, तो बोलने से कोई हानि नहीं है। मौन तो मन का विषय है, गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने बताया मन प्रसाद सौम्यत्यम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपस मानस तपो मानस उच्यते। ये मानसिक तप है मौन, वाणी का नहीं है। वाणी का तो है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रहृतम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम से वांग्मयम तप उच्यते। तो वाणी का तप मौन नहीं है। वो जो अज्ञानी लोग हैं ना, तो अब उनको तो कुछ होता है कि समाज में, ये समाज में पाखंड क्यों चलता है जानते हो, ये चलता है दो कारणों से। जब अज्ञानी लोग देखते हैं कि विद्वानों का आदर है समाज में, तपस्वियों का आदर है समाज में, त्यागी तपस्वी विद्वान इन्हीं का आदर होता है,
विद्वान नहीं है लेकिन तपस्वी है तभी समाज आदर करेगा, और तपस्वी नहीं है विद्वान है तभी समाज का आदर विद्वता का होता है। अब विद्वान बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, विद्वता का पाखंड नहीं हो सकता, विद्वता का पाखंड नहीं किया जा सकता। नीति शास्त्र में बड़ी सुंदर बात बताई गई, कहा मूर्ख और विद्वान दोनों सज धज करके बैठे एक सभा में, तो जब तक कोई नहीं बोला तब तक वहां सब संत है। और मूर्खता विद्वता का पता कब चलता है, जब जवान उखड़ी, जब जवान बोले तब पता चल गया कि भाई कौन किस अवस्था में है। तो जब तलक बोला नहीं तब तलक तो विद्वान और महात्मा दोनों बराबर है, यानी मूर्ख बराबर है। तो यहां पर बताया कि विद्वता में तो धोखा नहीं हो सकता, दम्भ नहीं हो सकता। फिर दम्भ किसमें होता है, कहा दम्भ होता है तपस्या में, उसमें दम्भ हो सकता है, तपस्या में दम्भ हो सकता है। इसलिए बहुत से लोग अज्ञानी लोग जो हैं समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए तपस्या का नाटक करते हैं, वो बाहर कुछ और है भीतर कुछ और है। उन नाटकों में मौन भी एक नाटक है, बोलते नहीं मौन है आजकल, लेकिन बोलते नहीं मौन है और ऐ करके सारी बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो लिखते रहते हैं, लिख करके बात करते हैं, कहां से आए हो। हम गए एक महात्मा थे, वो उनको करीब 30 वर्ष हो गया गंगा जी में रहते, 30 वर्ष से गंगा जी में रहते थे, बाहर निकलते थे नाव के ऊपर, मौनी बाबा करके प्रसिद्ध थे। मैं गया उनके मिलने के लिए, वो बड़े प्यार से बड़ी उससे मिले, स्वागत किया, बैठा लिया, तो बैठ करके वो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं मौनी होते थे ऐसे कर दिया। तो मैं बैठ गया तो उस पर लिखे स्लेट रखे रहते थे पेंसिल, कहां से पधारे हैं। हमने कहा कि इसको जवान से यदि बोल दो तो क्या तकलीफ हो रही है आपको, तो नीचे लिखा कि मैं तो मौन रहता हूं बहुत दिनों से। हम कहा इसे मौन नहीं कहते, ये तो आप बोल रहे हो, एक भाषा है, संकेत एक भाषा है, इसको संकेत भाषा कहते हैं। और ये संकेत भाषा जो है ये तो और खतरनाक है, क्योंकि इसमें पूरा मन पूरी बुद्धि पूरा अंतःकरण लगाना पड़ता है तब ये भाषा प्रयोग की जाती है, इससे तो अंतर का सारा हिल जाता है, फिर क्या करना चाहिए। हमका फिर मेरे से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने स्लेट पेंसिल अलग रख दिया, कहते अच्छा संत जी बताइए अब कहां से। आप ठीक है, ये ठीक है। मेरे कहने के प्राय कि जो लोग मौन का अभ्यास करते हैं, मौन माने मन की शांति, मननशीलता, मौन शब्द का अर्थ होता है मननशीलता, इसी से मौनी शब्द बनता है, और इसी मौनी से मुनि शब्द बनता है। मुनि जो कहते हैं ना, ये मुनि है, ऋषि मुनि सुना होगा शब्द, स्तुतधी मुनि रुच्यते, गीता भगवान ने बताया। मुनि किसे कहते हैं, कहा जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, स्तुतधी मुनि उच्यते, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई मुनि है। अब यहां पर उसी मुनि की बात करते हैं कि संतुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, वो निंदा और स्तुति दोनों उसके लिए बराबर है, क्योंकि निंदा तमोगुण की होती है, स्तुति सतोगुण की होती है। मान सतोगुण का होता है, अपमान तमोगुण का होता है, ये सारे गुणों के खेल हैं, इसलिए वो सबको ध्यान में रखता रहता है। तुल्य निंदा स्तुति ही मौनी, क्योंकि वो मौनी है, मननशील है, वो चिंतनशील है, वो सत्य को जान रहा है, अज्ञानी नहीं, वो मौनी है मननशील है। और संतुष्टो येन केनचित, और एन केनचित, एन केनचित माने जिस किसी भी प्रकार से वो संतुष्ट है, अनुकूलता आई तब भी संतुष्ट है, प्रतिकूलता आई तब भी संतुष्ट है,
जिसे मैंने बताया था ना, स्वागत किया तब भी संतुष्ट है, तिरस्कार किया तब भी संतुष्ट है, एन के निचित माने। वहां पर यानी संतोष शब्द इसमें दो बार आया, पीछे भी आया है, तो वहां पर संतोष का अर्थ अलग है, यहां पर संतोष का अर्थ अलग है। वहां पर उसके स्वभाव में तुष्टि है, कोई कामना नहीं है, वहां कामना रहित अवस्था की बात कही गई है, और यहां पर संतुष्ट एन के निचित, एन के निचित माने जिस किसी प्रकार से कोई भी स्थिति आई उसके संतुष्ट है, वहां कोई अंतर नहीं पड़ता, वहां विक्षोभ नहीं है। संतुष्ट एन के निचित माने विक्षोभ के लिए स्थान नहीं, उसे कोई भी परिस्थिति उसे डिगाती नहीं, कोई परिस्थिति उसे असंतोष पैदा नहीं करती, कोई भी परिस्थिति उसको विचलित नहीं करती। परिस्थिति जन्य प्रभाव से वो मुक्त है, देश जन्य प्रभाव, परिस्थिति जन्य प्रभाव, काल जन्य प्रभाव, तीन प्रकार का प्रभाव होता है, देश जन्य, काल जन्य और परिस्थिति जन्य, इसको देश काल परिस्थिति कहते हैं। ये तीन प्रकार का प्रभाव तो प्राकृत होता है, इसको प्राकृत प्रभाव कहते हैं। किसी देश में जाकर के किसी समय विशेष में किसी परिस्थिति विशेष में मनुष्य विचलित हो जाता है, तो वो देश जन्य, काल जन्य, परिस्थिति जन्य उसे कोई भी प्रभाव विचलित नहीं करता, वो संतुष्ट रहता है। संतुष्ट, संतुष्ट शब्द का अर्थ होता है संतुष्ट, ये सम जो ऊपर आया वही सम, वहां सम है यहां सम है, सम्यक प्रकार से तुष्ट, तुष्ट माने तृप्त, अपने आप में तृप्त है। यदि अंदर में अशांति हो तो बाहर की सारी परिस्थितियां अशांत कर देती है, यदि अंदर खलबली है छोटा सा एक तिनके के खटका जो है ना वो भी डिस्टर्ब कर देगा, और यदि अंदर स्थिति स्थिरता है तो बाहर चाहे पहाड़ी गिरता हो कुछ नहीं होता। अंदर यदि शांत है तो बाहर चाहे पहाड़ गिर जाए कोई अंतर नहीं पड़ता, शांत ही रहेगा, और यदि अंदर उसके डिस्टर्बेंस है तो बाहर एक तिनका ऐसे गिर जाए खड़े तब तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए संतुष्ट सम्यक प्रकार से, तुष्ट माने तृप्त है, एन के निचित जिस किसी भी प्रकार से वह सम्यक प्रकार से तृप्त है, वहां कोई व्यवधान नहीं है, कोई उसे डिस्टर्बेंस विक्षोभ पैदा करने वाली वस्तु नहीं है उसके लिए, संतुष्ट एन के निचित। अब आगे का अनिकेत, अनिकेत माने वो निकेत रहित है। निकेत किसे कहते हैं, निकेत कहते हैं स्थान को, ये मेरा है वो तेरा है, जहां पर मैं पना लगा हुआ है वो निकेत है। निकेत माने घर, घर। अब घर एक बहुत विचित्र शब्द है, घर जो है ना, ये घर, ये जो बना हुआ है इसको घर नहीं कहते, ये भी घर कहा जाता है वैसे, लेकिन निकेत शब्द का अर्थ, घर शब्द का अर्थ बहुत कुछ होता है। हमारे यहां तो नीति शास्त्र में बताया गया गृहिणीम गृहम उच्यते, कहा घर किसे कहते, कहा घर वाली को ही घर कहा जाता है, और घर कुछ नहीं है, और तो रहने का स्थान है, घर नहीं। वह व्यक्ति जहां जाकर के अपने आप को बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, टेंशन लेस, अंग्रेजी में कहते हैं उसे टेंशन लेस, मैंने फ्री, रिलैक्स्ड, जहां जाकर के वो रिलैक्स्ड अनुभव करे वो उसका घर होता है।
आप बाहर से कपड़े साज बाज करके टाई कोट पैंट एन ठिप फिट करके है? बाहर गए तो मुंह साफ करके एन करके आप वहां सज बज करके जाते हो, और वहां से जब आए घर में अपने पहुंचे तो तुरंत सारा उतार फेंकने लगते हो, अपने कच्चा बनियानी पहने बैठ गया आराम से रिलैक्स होकर के, क्यों टेंशन नहीं है। वहां ये नहीं होता कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, जहां ये टेंशन लेस परफेक्टली रिलैक्स जहां हो जाए आप पहुंचते ही, उसको घर कहते हैं। और घर में भी पहुंचकर यदि टेंशन बनी रही तो हा? तो वो घर नहीं है ना ना। यदि वहां पहुंच करके ही बनी रही टेंशन, फिर घर कैसा हुआ? जहां रिलैक्सेशन मिली ही नहीं, निश्चिंतता आई नहीं, आर्टिफिशियलिटी गई ही नहीं। हम जिसको प्यार करते हैं या जो हमें प्यार करता है उसमें आर्टिफिशियलिटी माने कृत्रिमता नहीं रहती। कृत्रिमता तो कहां रहती है, कहां बनावट कहां रहती है, आर्टिफिशियलिटी कहां रहती है, जहां दिखावा होता है, यथार्थ नहीं होता। तो घर वो स्थान है जहां पर किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है, यथार्थता। जो आप जैसे हैं उस यथार्थ का आपको अनुभव हो रहा है तो आप अपने घर में ऐसा। लेकिन अब ये तो योगी भगवान का भक्त है, अब भगवान के भक्त के लिए कोई एक जगह तो ऐसा होगा नहीं जहां जाकर वो रिलैक्स हो जाए, वो तो रिलैक्स ही रिलैक्स है हमेशा। इसलिए वो अनिकेत है, अनिकेत माने घर रहित। उसके लिए किसी खास घर की जरूरत नहीं है, किसी खास निकेत की जरूरत नहीं है, वो अनिकेत है, क्योंकि सारी वसुधा उसका अपना घर है। उसके लिए ये सारी पृथ्वी जहां वो जाए वही उसका घर है, मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में। मेरे 40 वर्ष के जीवन का अनुभव है कि यदि आप इस प्रकार की वृत्ति में पहुंच जाए तो जहां जाएंगे वहां आपको अपना घर लगेगा, कभी लगेगा ही नहीं कि आप दूसरे घर में आए हो, अपने घर है सारा। जहां जाओ, जिस देश में चले जाओ अपने घर लगेगा, अपने देश लगेगा, जिन लोगों से मिलोगे सब अपने आदमी लगेंगे, कोई बेगाना लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए कि सब अपने, सब प्रभु के हैं। जब सब प्रभु के हैं तो बेगाना कौन हो सकता है अपना? जहां जाओगे जहां रहोगे वो सब आपका अपना ही लगेगा, द्वैत भाव नहीं होगा, ये दूसरे का है ये मेरा है ऐसा नहीं होगा। जब तक ये दूसरे का है तब तक ये तो मेरा भी होगा, यहां पर अनिकेत है। और जब ये मेरा है तभी तो दूसरे का लगता है ना, पहले मैं आता कि तो यहां आता है? सोचो तुलसीदास जी क्या लिखा, मैं और मोर तब तोर तय माया, पहले मैं आता है तब तेरा आता है, जहां मैं नहीं वहां तय कहां से आएगा? तो मेरा नहीं है, अनिकेत में मेरा है ही नहीं तो तेरा कहां से आएगा? और मेरा क्यों नहीं होता? तो उसके लिए मैंने एक पद में लिखा है, स्थूल तन है पंचभूतों से बना जाना गया, सतरज मिलाकर इंद्रियों का तान भी ताना गया, चाचरी अनेकों भांत की है वासना कारण तहा, ये कार्य माया के सभी मैं ही नहीं मेरा कहा। जब मैं ही नहीं है, मेरे अनुभव के सारे जो छंद है ना, अपनी अनुभूति, वो मैंने सारा एक पुस्तक में लिखी है जिसका नाम है संत संदेश, छोटी सी पुस्तक है वो, उसमें सारी मेरी अपनी अनुभूतियां हैं। हम जिस जिस स्थिति में रहे हैं उसको हमने, उसके बाद में होश आई तो उसको हमने छंदबद्ध कर दिया, तो हमारे उस साधन समय के सारे लिखे हुए छंद है वो संत संदेश।
तो उसमें मैंने अपने उस अवस्था की बात कही है, मैं ही नहीं मेरा कहा, जब मैं ही नहीं है तो मेरा कहां से हो सकता है, और जब मैं ही नहीं है मेरा ही नहीं है तत्ता है और तेरा कहां से आएगा, फिर जो कुछ है किसका है, प्रभु का है। इसलिए वह अनिकेत है, अनिकेत है भक्त जो होता है वो अनिकेत होता है, उसका निकेत नहीं होता। अनिकेत और स्थिर मति, जो अनिकेत है उसकी मति अपने आप स्थिर होगी। मति को अस्थिर करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली कौन सी वस्तु है, का निकेत। निकेत जो है ना, यही मनुष्य की बुद्धि को अस्थिर करता है। और जब अनिकेत है, मैं और मेरा, निकेत माने मैं और मेरा भाव जो है यही बुद्धि को हिलाता रहता है, कहीं मैं का ना नुकसान हो, कहीं मेरा का नुकसान न हो जाए, कहीं मैं न गायब हो जाए, कहीं मेरा न गायब हो जाए। एक दिन मैंने बताया था ना, भारत में एक संत थे, तुकाराम नाम था उनका, तो उनके घर में जब चोर आया तो जग रहे थे, माला फेर रहे थे, देख रहे थे। उसने जब सारा सामान गठरी में बांध लिया, उठाने लगा तो नहीं उठा, तो आप आ गए। कहा भैया मैं तुम्हें उठा देता हूं। वो घबराया, कहता आप कौन। कहा जो तू है वही मैं। जो तू है वही मैं हूं। मेरे कहने का अभिप्राय कि जहां पर मैं मेरा नहीं है, कुछ अपना नहीं है, वहां पर चंचलता के लिए स्थान ही नहीं रहा। स्थिर मति, उसकी मति जो है वो स्थिर हो गई। स्थिर मति हो जाएगा तो ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे, ये भी याद रखो। यदि स्थिर मति हो गई, ये सब गुण अपने आप आ जाते हैं। अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान, ऐसा जो है वह कौन है, वह भक्तिमान। वह व्यक्ति भक्तिमान है, भक्तिमान माने मेरी भक्ति से युक्त, जैसे बुद्धिमान ऐसे भक्तिमान। बुद्धिमान कहते हैं ना, ये बुद्धिमान है, ऐसे भगवान कहते वो भक्तिमान है। बुद्धिमान किसको कहते हैं, जिसकी बुद्धि है। यहां भक्तिमान कौन है, कहा जिसकी भक्ति है। ऐसे व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा व्यक्ति भक्तिमान कहा जाता है। भक्तिमान माने भक्ति वाला, भक्ति से युक्त। और ऐसा जो भक्तिमान है, मैं प्रियो नरह, वह नर मुझे प्रिय है, नर है वो, नर। एक दिन बताया था नर माने क्या होता है, हा? वो नर है, नर माने वह आत्म तत्व में स्थित है, वह नेतृत्व करने वाला अदृष्टा है, वह भोगता नहीं, वह करता नहीं, वह क्या है, दृष्टा मात्र, नर है। भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। भक्तिमान में प्रिय नरह, ऐसा भक्तिमान नरह में प्रिय, मुझे प्रिय है। अनिकेत स्थिरमति, भक्तिमान नरह में प्रिय। अब यहां पर कितने गुण गिना दिए, देख रहे हो, अब इनको कलेक्ट करो सारे कितने गुण हो गए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, यहां शुरू होता है ना, हाँ। ये सात श्लोकों में भगवान ने अपने भक्तों की महिमा का गान किया है स्वयं श्रीमुख से। इसमें देखो तो गिन डालो कितने गुण होते हैं।
सात श्लोकों में कितने गुण बताए भगवान? अरे बहुत, कोई हजार दो हजार तो नहीं बता दिया। नहीं, 42 नहीं। और ध्यान से देखो, तो मुझे कितने हुए? हाँ, शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु समह संग विवर्जित, इसमें कितने हो गए? आपसे कहें कि सुख दुख में सम रहो तो एक हुआ कि दो हुआ? सम समय है ना, गुण तो सम है, और समता जो ही द्वैत में हुई, द्वंद्व में हुई ना। दुख में सम रहो, सुख में सम रहो, ऐसा तो नहीं है ना। यानी तौलना तो तब होता है जब दो पलरे पर हो, एक को तौलने की थोड़ी कहते हैं। तो समह शत्रुच मित्रे च, शत्रुच मित्रे च समह, मानापमानयो समह, शीतोष्ण समह, सुख दुखेशु समह, कितने हो गए? और संग विवर्जित पांच हो गया। अब यहां तुल्य निंदा स्तुति ही हो गया ना, मौन ही एन केन चित संतुष्ट आठ, अनिकेत स्थिरमति ही दस हो गए ना। अब ये दो श्लोकों में दस गुण बताए भगवान, ऐसे सब में गिन लो कितना हुआ है? सारे में गिनो, देखो कितने हैं। हाँ, ये शुरू करो, कितने हो गए देखो तो। बोलो कितना हो गया सारा? हे भगवान भाई, गिनो तुम लोग, क्यों ऐसे बोलते, गिनते क्यों नहीं? देखो यहां से गिनो, यहां ध्यान दो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी समह दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी, सततम संतुष्ट योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मनोबुद्धिर,
सात पहले में है और संतुष्ट सततम आठ, योगी नौ, यतात्मा दस, दृढ़ निश्चय ग्यारह, मई अर्पित मनोबुद्धिर बारह, यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसे बारह लक्षणों से युक्त जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। अब आया यस्मान नोद बीज ते लोको एक, लोकान नोद बीज तो चेह दो, हर्ष आमर्ष भय उद्वेग मुक्त, हर्ष मुक्त भय मुक्त आमर्ष मुक्त भय मुक्त उद्वेग मुक्त, ये कितने हो गए? अब ये हो गया ना। अच्छा आप आगे क्या कह रहे हैं? अठारह हो गए, पहुंच गए। अच्छा अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त में प्रिय। नहीं ये तो चौबीस हुए, मद्भक्त तो गए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस्मे प्रिय। कितने हो गए? उन्तीस हो गए न। अच्छा अब आगे आइए, समह शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण समः सुख दुखेषु समः। कितने हुए? तैतीस। संग विवर्जित चौतीस। तुल्य निंदा स्तुति पैतीस। मौनी एन केन चित संतुष्ट सैतीस। अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर उनतालीस लक्षण हो गए इसमें। अब तुम लोग इसको कहां तक लगे थे? चौसठ। यहां पर जो भगवान के द्वारा बताए लक्षण जो हैं, इनको तुम अपने अंदर चिंतन करते हुए प्रतिष्ठित करने की कोशिश करो और इन लक्षणों को मनन करते हुए तुम ये देखो कि इनमें से कौन सा लक्षण है अपने। अब इसकी कैटेगरी बनाई है, कितनी कैटेगरी बनाई देख रहे हो? ये दो श्लोकों की एक कैटेगरी है, जहां उन्होंने कैटेगरी बनाई वहां पर क्या कहा? भक्तिमान में प्रिय नर, यो मद भक्त समय प्रिय, भक्तिमान यह समय प्रिय। क्या क्या कहा है? सबसे पहले हाँ, यो मद भक्त समय प्रिय एक, हाँ सच में प्रिय, यो मद भक्त सच में प्रिय दो, और हाँ हाँ अब यो मद भक्त समय प्रिय, और फिर भक्तिमान यह समय प्रिय, और फिर आगे क्या कहा? भक्तिमान में प्रियो नर। तो एक और ये दो और ये तीन और ये चार और यहां पर ये पांच और ये छह,
छह बार भगवान ने कहा है कि वह भक्त है वह मेरे को प्रिय है, ऐसा भक्त है वह मेरे को प्रिय है, वो मेरा भक्त है वो मेरे को प्रिय है, वह मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है, वह भक्तिमान है वह मुझे प्रिय है, वो भक्तिमान है मुझे प्रिय है। छह कैटेगरी बताई है, बात समझे? तो इन छह कैटेगरी वालों में से कोई एक कैटेगरी में अपने आप को बैठा दो जो तुम्हारे लिए सुगम हो सरल हो, कि ये कैटेगरी हमारे लिए बिल्कुल रसगुल्ले ऐसी है जिसमें कोई कष्ट नहीं होता, उसमें अपने आप को बैठा दो। ये छह कैटेगरी बताई भगवान, और कहीं एक श्लोक में बता दिया जैसे अनपेक्ष सुतिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। एक यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते चेह हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तः यः सच मे प्रियः। ऐसा तो ये जो उन्होंने बताया है, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। अब एक एक श्लोक में कह दिया ना पूरा, वो श्लोक अपने आप में पूरा है, पूरी साधना उसमें है और पूरी यानी प्रियता का साधन उसमें विद्यमान है। उतने गुण को तुम अपने में प्रतिष्ठित कर लो, भगवान को प्रिय हो जाओगे। ये सारा मिलाकर यदि 39 गुण तुम्हारे में आएंगे तब तुम भगवान को प्रिय हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। बात समझे? इनमें से कोई गुण, जैसे भगवान ने नवधा भक्ति बताई ना रामायण में, तो क्या बताया, नवमह एकव जिनके होई नारी पुरुष सचराचर सोई कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भय तोड़े। इन नौ में एक भी यदि किसी में हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है, और तुम्हारे में तो नौ विद्यमान है। तो भगवान कहते इनमें से जो तुम कैटेगरी अपने लिए अनुकूल समझो उसका तुम अभ्यास शुरू कर दो और तुम भगवान को प्रिय हो जाओगे। और भगवान को प्रिय हो जाओगे तो बात बन गई सारी, और क्या चाहिए। अब इन नौ यानी छह प्रकार की भक्ति को चिंतन करते हुए इनमें से कोई भी अपने में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करो जो तुम्हें सुगम लगती हो। और इस भक्ति का अब महत्व जो है ना, भगवान कहते हैं कि कल बताओ, ठीक है ना। ओम भर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।